आप अपना नाम बताएं और बताएं कि आपको जो बुद्ध और धर्म और संघ है वो इतना अच्छा क्यों लगता है। मेरा नाम मधु भारती है, मैं दिल्ली से हूँ और मुझे बुद्ध धम्म और संघ इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि इसमें जो लोग मिलते हैं वो सभी बुद्धि की बात करते हैं। तो और धम्म आपके घर में सभी लोगों ने इसको अडॉप्ट किया हुआ है? पूरी तरह तो नहीं लेकिन आंशिक रूप से लोग मानते हैं। तो अभी आपको कितना फायदा हुआ धम्म में आने के बाद? मैं धम्म में करीब जब से मैंने इंटर किया है, बारहवीं किया है, उसके बाद से मुझे मैं धर्म के संपर्क में ज़्यादा आई तो मुझे इसके फायदे ही फायदे हुए क्योंकि मुझे लगा कि इसको जब से मैंने अपने जीवन में अपनाया है मैं बहुत सारी बुरी चीज़ों से बच गई हूँ। क्या आप इसमें कोई पूजा पाठ की जो पद्धति है, जो अंधविश्वास की, ऐसा कुछ फॉलो करती हैं? बिल्कुल नहीं, मैंने आज तक किसी मंदिर में कोई पूजा नहीं की है। तो जो बुद्ध है उसके बारे में आपको सबसे अच्छी बात क्या लगी? बुद्ध के बारे में मुझे सबसे बढ़िया बात यह लगी है कि वो ये कहते हैं कि मैं जो कह रहा हूँ उसको इसलिए नहीं मानो कि मैं कह रहा हूँ, आप खुद करके देखो कि अगर आप क्रोध नहीं करते उससे आपको कैसे शांति मिलती है, ये आप खुद जानिए। आपको पता है कि भारत में एक समय में ईरान से लेकर बर्मा तक पूरे में धम्म की प्रैक्टिस, बुद्ध की प्रैक्टिस चलती थी और उस समय सोने की चिड़िया थी? हाँ, मैंने ऐसा सुना है और पढ़ा भी है। जिन देशों ने बुद्ध धर्म को अपनाया वो देश बहुत आगे चले गए जबकि भारत का धम्म जाने के बाद पिछड़ गया। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, हमारे आसपास जितने देश हैं आप देख लीजिए, जो जापान है, चाइना है, आप देख लीजिए, वो हमसे ज्यादा प्रगति इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पे बुद्ध धर्म है। अभी आप बुद्ध धर्म का प्रचार करते हैं तो आपको कैसा लगता है? मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं चाहती हूँ कि सभी लोग एक वैज्ञानिक धर्म को माने। धर्म कोई भी हो वो वैज्ञानिक होने चाहिए, उसमें सार होना चाहिए कि हम जो भी कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं और उसका हमारे जीवन पे प्रभाव आना चाहिए, दिखाई देना चाहिए। सुना है आप अपने घर पे एक बहुत बड़ी देशना, बहुत बड़ा कार्यक्रम धम्म का आयोजित करने वाली हैं, हाँ। 300-400-500 लोग आएंगे? जी हाँ, बहुत जल्द ही मैं एक ऐसा कार्यक्रम अपने घर में करने जा रही हूँ, अपने सोसाइटी में ही करूँगी ताकि लोगों को, आसपास के लोगों को मैं दिखाना चाहती हूँ कि आप देखिए धर्म क्यों वैज्ञानिक है और किस प्रकार धर्म हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है। आप धम्म में अंधविश्वासी तो नहीं होती जा रही हैं? नहीं, मैं अंधविश्वासी इसलिए नहीं हूँ कि मैं इसलिए नहीं किसी भी चीज को मान लेती हूँ क्योंकि मेरे गुरु कह रहे हैं या क्योंकि ये किताब में लिखा है, मुझे लगता है वो मेरे जीवन में चरितार्थ हो रहा है तो मैं उसको मानती हूँ, वरना नहीं। चलिए, धन्यवाद। जी धन्यवाद आपका भी।